गतम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी वेलकम, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी वेलकम, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी वेलकम। मुर्शिदाबाद लोकसभा जलंगीर नरसिंहपुर ग्रामे राजनाथ जी वेलकम, राजनाथ जी स्वागतम, राजनाथ जी स्वागतम। बीजेपी जय दम, बीजेपी जय दम, बीजेपी 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 जाबाद, बीजेपी 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 जाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, मातरम भाई मातरम। बीजेपी 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 जाबाद, बीजेपी 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 जाबाद। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी वेलकम, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी वेलकम, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी वेलकम। बीजेपी जाबाद, बीजेपी जाबाद। मुर्शिदाबाद लोकसभा राजनाथ जी स्वागतम, 11 मुर्शिदाबाद लोकसभा राजनाथ जी स्वागतम, राजनाथ जी स्वागतम, राजनाथ जी वेलकम, राजनाथ जी वेलकम, राजनाथ जी वेलकम। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी वेलकम, बीजेपी 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 जाबाद, बीजेपी जय दम, बीजेपी जय दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, हाथ तुले बोलून, भारत माता की, भारत माता की। আপনারা একটু ধীরে সুস্থে বসুন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের সম্মানীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংজি। আপনারা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন আমাদের সভা চলছিল, আমরা গর্বিত। আমাদের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রধান, ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজনাথ সিংজি। আমাদের পক্ষ থেকে, মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে, জলঙ্গির পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, আমরা ধন্যবাদ জানাই। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংজিকে বরণ করে নেবেন, বরণ করে নেবেন এই জেলার প্রেসিডেন্ট শ্রী সৌমেন মণ্ডল মহাশয়। আমি শ্রী সৌমেন মণ্ডল মহাশয়কে, রাজনাথ সিংজিকে বরণ করে নেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা করতালি দিয়ে রাজনাথ সিংজির বরণ পর্বটাকে স্মরণ করে রাখবেন, আপনারা করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করুন। রাজনাথ সিংজির হাতে রাম সীতা লক্ষণের মূর্তি তুলে দিচ্ছেন আমাদের প্রার্থী শ্রী গৌরী শঙ্কর ঘোষ মহাশয়। শ্রী গৌরী শঙ্কর ঘোষ মহাশয় রাজনাথ সিংজির হাতে রাম সীতা লক্ষণ এবং হনুমানজির ছবি তুলে দিচ্ছেন। এবারে আপনাদের সামনে স্বাগত ভাষণ রাখবেন এই কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী গৌরী শঙ্কর ঘোষ মহাশয়। আমি গৌরীদাকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি আপনার বক্তব্য পরিবেশন করুন। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। মঞ্চে উপবিষ্ট ভারত সরকারের সম্মানীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথজি, উপস্থিত জেলা সভাপতি সম্মানীয় সৌমেন মণ্ডলজি, উপস্থিত রয়েছেন ক্লাস্টার আমাদের জোনের কনভেনার রামপদ দা, রয়েছেন জেলা ইনচার্জ গৌতম দাস সহ ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা
राज्य स्तर कार्यकर्ता आमार सामने उपविष्ट भारतीय जनता पार्टी लड़ाकू सैनिक माइकर आवाज़ जत दूर पहुँचे घरे घरे कर्मरत माँ और बोनेरा प्रत्येक के गैरिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज के मुर्शिदाबाद लोकसभा प्रार्थी समर्थने जे सभा सभाय आमरा उपस्थित होयेछि। आमरा जानी भारतवर्षेर प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 साल थेके ए समयकाल पर्यन्त देश के जे सेवा सुशासन दिएछेन जेभावे सबका साथ सबका विकास घटिएछेन आमरा तार जन्य एइबार स्लोगान दिएछि एइबार 400 पार। एइ मुर्शिदाबाद लोकसभार मानुष दीर्घदिन धरे कांग्रेस सीपीएम एवं तृणमूल के एमपी दिलेओ तारा ए एलाकार सार्विक विकास घटाते व्यर्थ होयेछे। स्वाधीनतार 76 बछर अतिक्रांत होयेछे रेल मानचित्रे जलंगी विधानसभार जायगा हयनि रानीनगर करीमपुरेर जायगा हयनि। जारा एतदिन निर्वाचित होयेछिलेन तारा शुधुमात्र आपनादेरके भोटार हिसेबे देखेछेन भोटार हिसेबे व्यवहार करेछेन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार रास्ता आपनार एलाकाय वास्तवायित होच्छे सेखानेओ तृणमूलेर सरकार काटमानि खाच्छे। आवास योजनार बाड़ी प्रधानमंत्री टाका पाठाच्छेन आपनार एलाकार गरीब मानुष निम्न मध्यबित्त मानुषेर जन्य एखाने एसे काटमानि दिए से बाड़ी बड़ लोकरा पाच्छे गरीब मानुष पाच्छे ना। एकई संगे आपनारा देखेछेन आपनार बाड़ीर आमार बाड़ीर मा बोनेरा बा छेलेरा जारा आजके चाकरि प्रार्थी जारा एसएससी दिएछे टेट दिएछे डिएलएड करेछे बीएड करेछे किन्तु तारा चाकरि पाच्छे ना। केन चाकरि पाच्छे ना? पश्चिम बांगलाय जारा शिक्षामंत्री छिलेन পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা মন্ত্রী চাকরি বিক্রি করে দিয়েছেন। তাই আজকে এই জলঙ্গি বিধানসভা সহ মুর্শিদাবাদ লোকসভার কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ে যারা চাকরি প্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের চাকরি হয়নি। এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের পতন ঘটাতে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াকু সৈনিকরা আজকে সমবেত হয়েছি। আমাদের সামনে প্রধান বক্তা হিসেবে রয়েছেন আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, তিনি বিস্তারিত বলবেন। আমি শুধু এইটুকু বলবো 10 বছর ধরে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আজকে বিশ্ব দরবারে ভারতবর্ষের যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ভারত মাতা কি জয় আমরা বলি একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বলে না। কারণ আমরাই একমাত্র দল যাদের লক্ষ্য হচ্ছে শক্তিশালী ভারত সমৃদ্ধশালী ভারত। আমাদেরই একমাত্র লক্ষ্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলছে কোনো যোজনা কোনো ধর্মের জন্য নয় কোনো বর্ণের জন্য নয় সবকা সাথ সবকা বিকাশ অর্থাৎ সবার জন্যই উন্নয়ন। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশ জুড়ে সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষের জন্য উন্নয়ন করে চলেছেন। আমি চাইব এই মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ যেন রেল পরিষেবা পায়। আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা কর্মসংস্থান নেই, আমরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে আমাদের যে বিজেপি শাসিত রাজ্য রয়েছে সেখানে কাজ করতে যাই। তাই এই পরিযায়ী শ্রমিকের হাত থেকে মুক্তি পেতে এখানে নিরাপত্তা সহ বেঁচে থাকতে মা বোনেদের সম্মান রক্ষার্থে ভাই বোনেদের কর্মসংস্থানের দাবিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ ঘটাতে আসুন আগামী 7ই মে সকাল সকাল বুথে গিয়ে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে মোদিজির হাতকে শক্ত করতে আমরা যে স্লোগান দেখেছি এইবার 400 পার সেই স্লোগানকে আপনারা সমর্থন জানাবেন বিজেপি প্রার্থীকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এই আশা এই আবেদন রেখে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। আপনারা অধীর আগ্রহে যে জন্য বসে আছেন অনেকক্ষণ ধরে, এবার আমাদের সেই পর্ব শুরু হচ্ছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংজি, তিনি বক্তব্য রাখবেন। আমি অনুরোধ করব মাননীয় রাজনাথ সিংজি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন, যখন আপনারা মন দিয়ে সেই বক্তব্য শুনবেন। ওয়েলকাম রাজনাথ সিংজি টু ডেলিভার ইয়োর ভ্যালুয়েবল স্পিচ। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজনাথ সিংকে তার বক্তব্য পরিবেশন করবার জন্য। বলিয়ে ভারত মাতা কি। ভেরি গুড। ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টি
Mr. Soumen Mandal, candidate from this parliamentary constituency, Gauri Shankar Ghosh, and the candidate from assembly constituency, Sri Bhaskar Sarkar, state vice president Sumit Das, Ram Pad Das, zonal convener, and Gautam Pal, Lok Sabha in charge. यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप हिंदी समझेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। सबसे पहले मुर्शिदाबाद बसीदेर अमर नमस्कार जानई, बोडो डेर के असर प्रणाम, और छोटो डेर को अमर कोटि कोटि भालो बाशा। माई बंगला इज करेक्ट। मेरे बहनों भाइयों, आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। वेस्ट बंगाल की धरती को मैं जानता हूं, या वेस्ट बंगाल की धरती भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वंदे मातरम और जनगणमन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो भारत के संसद के अंदर गाया जाता है, उसको देने का काम किसी ने किया था तो बंकिम चंद चटर्जी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, जो इसी बंगाल की धरती से पैदा हुए थे और बंगाल की मां के कोख से पैदा हुए थे। यह ऐसी धरती है। और बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि बंगाल का बहुत ही एक शानदार इतिहास है, इसका अतीत बहुत ही गौरवशाली है। बंगाल का सारा देश यह जानते हैं, यह चैतन्य महाप्रभु जैसे संत इस धरती पर पैदा हुए, राजा राम मोहन और ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक भी इस धरती पर पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे एक राष्ट्रवादी नेता भी इसी धरती पर पैदा हुए। आज क्या हो गया है इस बंगाल को? ममता दीदी के मुख्यमंत्री बनते ही पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है, गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, और यहां पर जो शरीफ लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह पश्चिमी बंगाल महान संस्कृति वाली विद्वानों की धरती है, लेकिन आजकल पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है, और सारे देश में यह अपने अपराध के लिए जानी जाती है, और साथ ही साथ सांप्रदायिकता के लिए पश्चिमी बंगाल जानी जाती है। और पश्चिमी बंगाल जैसी धरती पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं, और यहां के मुख्यमंत्री महिला के रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम यह देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। यहां पर ईडी और सीबीआई भी जांच के लिए आते हैं, उनके ऊपर भी ये गुंडे बदमाश जो हमले करते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं बची है, और आप सभी जानते हैं किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था होनी चाहिए। केवल यहां पर गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, और संदेश खाली की जो घटना हुई है मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा भारत की ही नहीं, दुनिया में जिन लोगों ने इस संदेश खाली घटना के बारे में सुना है, पूरी मानवता ही शर्मसार हुई है। और इस मैं जानता हूं गांधी और खादी का एक आपस में गहरा नाता है, और हमारी ममता दीदी भी खादी पहनती हैं, और खादी के आड़ में इस बंगाल में लूट हो रही है। क्या हो गया है ममता दीदी आपको? यहां पर जो परीक्षाएं होती हैं एसएससी की, टीईटी की भर्तियों के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी घोटाला,
लॉटरी घोटाला, जहां सुनिए वही पश्चिम बंगाल में घोटाला। कभी कभी लगता है कि आप तृणमूल कांग्रेस हैं, तृणमूल कांग्रेस हैं या कांग्रेस हैं, यह बात समझ में नहीं आती। और ममता दीदी, मैं कहना चाहता हूं, आपके नाम में ही ममता है, आपके नाम में ही ममता है। ममता तो मां का स्वभाव होता है, फिर आपको जनता का दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं जनता का दुख दर्द का एहसास होता है, मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं ममता जी पूछना चाहता हूं, कहां चली गई आपके दिल की ममता, कहां खो गई है? अब आप केवल नाम की ही ममता हैं, स्वभाव और व्यवहार में आपकी ममता, मैं मानता हूं, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं इस पश्चिम बंगाल में प्रारंभ की, गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की, 5 किलो मुफ्त राशन सारे देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुहैया कराया जा रहा। यह सब सारी सुविधा मैं जानता हूं टीएमसी की सरकार के कारण हमारे बंगाल के बहनों भाइयों को जो मिलनी चाहिए वो ठीक तरीके से, न्याय संगत तरीके से नहीं मिल पा रही है। जल जीवन मिशन भी जो ठीक तरीके से पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना चाहिए, मेरे बहनों भाइयों, वह भी लागू नहीं किया जा रहा है। और लोगों को घर देने के लिए, पक्का मकान देने के लिए पीएम आवास योजना प्रारंभ की गई और उसका भी ममता दीदी ने नाम बदलकर बंगला आवास योजना कर दिया। और जो गरीबों को मिलना चाहिए आवास, गरीबों को जो घर मिलना चाहिए उनको न मिलकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को घर दिया जा रहा है। ममता दीदी, यह कहां का इंसाफ है? आयुष्मान भारत योजना हम लोगों ने प्रारंभ की, सारे देश भर में आयुष्मान भारत योजना लागू है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। आपको गरीबों पर इतनी रहम नहीं आई ममता दी? क्या आपकी अंदर की ममता इतनी मर गई कि कम से कम 5 जो गरीब बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, केवल इलाज न कराने के कारण ही वह दम तोड़ देता है, इस दुनिया से चला जाता है। उसके इलाज के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कहा कि हम आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख का हम मुफ्त इलाज करेंगे। आपने इस योजना को भी लागू नहीं किया। इतना ही नहीं, सारे देश भर के किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी ममता दीदी ने लागू नहीं किया। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बहुत पैसा दिया है, बहुत पैसा दिया है। ठीक तरीके से जो उसका उपयोग किया जाना चाहिए उसे लागू नहीं किया जा रहा है। कलकत्ता मेट्रो के लिए 1,000 करोड़ रुपया, चितरंजन कैंसर सेंटर के लिए पैसा, सत्यजीत रॉय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के लिए पैसा, और साथ ही साथ यहां पर के औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने पैसा दिया। एक यहां पर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पैसा दिया। कहां चला गया पैसा भाई ममता दी, आपसे यह पूछना चाहता हूं। और इतना ही मैं याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए मेरे बहनों भाइयों, 30 दिसंबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ था। अब पश्चिम बंगाल के प्रति हमारे प्रधानमंत्री की कितनी ममता है, कितना प्यार है यहां के लोगों से, यहां के लोगों के प्रति कितना सम्मान है कि 30 दिसंबर 22 को गुजरात में उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ। माता जी का अंतिम दर्शन करने के बाद सीधे वह पश्चिमी बंगाल वहां से चलकर उसी दिन पहुंचे थे और यहां पर वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ
7800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास यदि किसी ने किया था तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एकदम हमारे प्रधानमंत्री अपना दिल खोलकर पश्चिमी बंगाल का विकास करने को तैयार हैं, लेकिन ममता दीदी को यह चिंता सता रही है कहीं पश्चिमी बंगाल की जनता कहीं मोदी जी से ज्यादा प्यार न करने लगे। लेकिन ममता दी, मैं कहना चाहता हूं, भ्रम में मत रहिए। अब पश्चिमी बंगाल की जनता किसी नेता पर विश्वास करती है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसको प्यार करती है, जिसका सम्मान करती है। हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो धार्मिक रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए हैं, जिनको परेशान किया गया है, जिनको अपमानित किया गया है, यदि वह भारत आते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने एक नागरिकता का कानून बना दिया। ममता दी, आप कहती हैं कि हम नागरिकता के कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। ममता दी, मैं कहना चाहता हूं, अब आप जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आ रही है, नागरिकता का कानून हम लागू करके रहेंगे और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित होकर पश्चिमी बंगाल की धरती पर आए हैं अथवा हिंदुस्तान की धरती पर आए हैं, जिनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है, बहनों भाइयों, हम उनको नागरिकता मुहैया कराएंगे, नागरिकता देंगे। दुनिया की हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यही ममता जी ने सारे गरीबों को आवास देने की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को जिस ठीक तरीके से लागू करना चाहिए था, ममता जी ने उसे भी लागू नहीं किया। बीपीएल परिवारों के लिए घर पर राशन, अब 10 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात अब जाकर ममता जी ने कही है। आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सुचारू रूप से लागू नहीं कर रही हैं। केवल जब चुनाव आ जाता है तो आप पश्चिम बंगाल की जनता को तरह तरह के लालच देती हैं, तरह तरह के प्रलोभन देती हैं। ममता दी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की जनती यह बहादुरों की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है। आपके लालच अथवा प्रलोभन में और आपके बहकावे में अब पश्चिम बंगाल की जनता नहीं आने वाली है। लंबे समय तक आपको सरकार चलाते हुए यहां की जनता ने देख लिया, आप कर क्या रही हैं? सारे देश भर की गरीबों को हम लोगों ने मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराया, यहां नहीं मिल रहा है। आप अपना घोषणा पत्र लेकर आई हैं, उसमें आप कहती हैं हम आयुष्मान भारत की तरह हम भी योजना प्रारंभ करेंगे। मेरा यह कहना है कि पहले आप आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, पहले आप उसको लागू करिए। और किस तरीके से ये हिंदू मुसलमान को बांटकर सरकार बनाना चाहती है ममता दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। ममता दी, ईद मनाने के लिए दूसरे देशों से अथवा यहां से जो दूसरे शहरों में भारत में काम करते थे हमारे मुस्लिम भाई, जो यहां पर प्रवासी मजदूर थे, वो लोग जो यहां पर आए हैं उनसे ये कह रही हैं, आप लोग आए हैं पश्चिम बंगाल में अपना काम छोड़कर छुट्टी लेकर आए हैं यहां पर ईद मनाने के लिए, तो बिना वोट दिए आप लोग वापस मत जाइए, नहीं तो आप लोगों की नागरिकता ही समाप्त कर दी जाएगी। इस तरीके से मुस्लिम समाज इस समाज को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अजीबोगरीब स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी है। मुर्शिदाबाद में हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि यहां पर रामनवमी शोभा यात्रा पर भी पथराव हुआ था, बमबाजी हुई थी और लगभग 20 से अधिक लोग घायल हुए थे।
आज मैं यह कहने के लिए आया हूं ममता दी, अब आपकी सरकार का पाप का घड़ा भर गया है, आपका पाप का घड़ा फूटने वाला है, अब कोई रोक नहीं सकता है। टीएमसी के अंत का आगाज हो चुका है मेरे बहनों भाई। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से देश को चला रहे हैं, भारत का कद मेरे बहनों भाइयों सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बन गई है। और जिस प्रधानमंत्री ने भारत का कद, भारत का स्टेशन सारी दुनिया में बढ़ाया है, उसके बारे में आप अनाप शनाप बातें करती रहती हैं, जनता को गुमराह करती रहती हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है 2 साल से, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए, बहुत लोगों को मालूम है। इधर मालूम है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है? मेरे बहनों भाइयों, 2 साल से रूस और यूक्रेन के भी युद्ध चल रहा है, बड़ी संख्या में दोनों देशों के लोग मारे जा रहे हैं, मिसाइल बम तोप रूस की तरफ से भी चल रही है, यूक्रेन की तरफ से चल रही है, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते थे, कोई एमबीबीएस कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई और पढ़ाई कर रहा था, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में थे, उनको चिंता इस बात की हुई कि रूस की तरफ से बराबर मिसाइल बम गोले तोप चल रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे की जिंदगी को खतरा न पैदा हो जाए। तो उनका एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकाल कर ले आइए। अब देखो बहनों भाई, हमारे प्रधानमंत्री का कद कितना बड़ा है, उन्होंने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 भारतीय बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। और ममता जी क्या यह सब आप नहीं देखती हैं? क्या हो रहा है भारत में? आपको चाहे मार पीट खरीद जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बननी चाहिए, इसी बात की आपको चिंता रहती है? आप इस बात का पता लगा लेना बहनों भाइयों, हमारे प्रेस के मित्र यहां खड़े हैं, मैं इनको भी कहूंगा हमारी बात यदि कोई गलत हो आप अपने न्यूज़पेपर अखबार के पन्नों पर लिख देना, राजनाथ सिंह आए थे और जनता को गुमराह करके चले गए, हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं कहने जा रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, वह भी बार बार कहते थे कि मैं भारत से गरीबी मिटाना चाहता हूं। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं, और राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं, लेकिन बहनों भाइयों गरीबी नहीं मिट पाई। पहली बार आजाद भारत में हुआ है, क्या मैं नहीं कह रहा हूं, पीएम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग ने कहा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के 7-8 वर्षों के अंदर ही भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं। मेरे बहनों भाइयों, अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? यह आपको दिखाई नहीं देता है? धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आपको जानकर खुशी होगी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में हमारा भारत
जो 11वें स्थान पर खड़ा था इकॉनमी की साई यानी धन दौलत के आकार के मामले में, वह भारत 7-8 वर्षों में ही 11वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया के 5वां स्थान प्राप्त कर चुका है हमारा भारत। और आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दावा कर रही हैं सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया में किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है मेरे बहनों भाइयों। और उनका यह भी कहना है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 यानी आज के 3 साल के अंदर ही हमारा भारत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। क्या ममता जी यह सब आपको दिखाई नहीं देता है? और आप केवल चाहे जैसे भी हो, गुंडे, बदमाश, शरारती, इन सब सारे लोगों को प्रश्रय देकर आप केवल सत्ता हासिल करना चाहती हैं। बहनों भाइयों, बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ की है, सारी योजनाओं की मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय चलेगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद में अब झुमरिया और रंपा जैसे लोक नृत्य से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे जो बतलाया गया है 2021 में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का समापन जब मुर्शिदाबाद में हुआ था तो उसमें खूब उत्साह मिला था, और ऐसे कार्यक्रमों को सारे देश भर में प्रोत्साहन देने का काम कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मेरे बहनों भाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। विकास की यदि मैं बात करूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। एक लंबे अंतराल के बाद मुर्शिदाबाद के लोगों ने 2008 में यूपीए सरकार के दौरान केंद्र द्वारा किए गए वादे को 2016 में जब मोदी जी की सरकार बनी तब पूरा करते होते हुए देखा है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल को गरीब किसानों और लोगों को पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए 2008 में जंगीपुर मेगा फूड पार्क आवंटित किया गया था, हमारी सरकार ने किया था। ऐसे ही कई काम हैं, जब इनमें सारी चीजों की चर्चा करूंगा बहुत ही लंबा समय लगेगा। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन के लिए जंगीपुर रोड स्टेशन की पहचान की है। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद में नाशीपुर रेलवे पुल के निर्माण का अंतिम चरण 2022 में शुरू कराया, हमारी सरकार ने कराया। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 बरुआ मोड़ बेलडांगा शहर से होकर गुजरता है। केंद्र सरकार ने सबकी यहां चिंता की, बीड़ी बनाने वाले जो हमारे श्रमिक हैं उनकी भी उन्होंने चिंता की है। बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए श्रमिक कल्याण योजना चला रही है हमारी सरकार, और देश में लगभग 50 लाख बीड़ी श्रमिक हैं जिनमें से 18-19 लाख बीड़ी श्रमिक कहीं के हैं तो हमारे पश्चिमी बंगाल के हैं। हम योजनाओं में स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, छात्रवृत्ति और आवास, यह सब भी सारी सुविधा बनाने की, यहां पर उनको दिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर चीज में बाधा पैदा करने का काम यदि कोई कर रहा है तो ममता जी कर रही है। इसलिए मैं आज आप सबसे अपील करने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि ममता जी की अब यहां से छुट्टी करिए। और अब तो बड़े बड़े राजनीतिक पर्यवेक्षक और बड़ी बड़ी जो सर्वे एजेंसी हैं अब उनका भी यह मानना है, जो मुझे जानकारी मिली है उनका भी यह मानना है कि अब पश्चिमी बंगाल में इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 30 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है, 30 से अधिक भी सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। और आज मैं आपको बताकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार लोकसभा के चुनाव में 30 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला दो। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में अगली सरकार यदि किसी की होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और हमारे कैंडिडेट ये गौरीशंकर
घोष, गौरी शंकर घोष, देखिए ये एमएलए हैं, आपने देखा होगा गौरी शंकर घोष जब बोल रहे थे कितना अच्छा बोल रहे थे, बहुत ही डायनेमिक कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर नाप तौल कर तब गौरी शंकर घोष को चुनाव के मैदान में उतारा है। तो यह बताइए गौरी शंकर घोष को जिता देंगे, जिता देंगे, जिता देंगे तो एक बार हाथ उठाकर ताली सब लोग बजाइए तो मैं मान लूं जिता देंगे। सब लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाइए, हाथ ऊपर करके, वाह। और हमारे विधानसभा के कैंडिडेट भास्कर सरकार, आपने देखा भास्कर सरकार को, जानते हैं भास्कर सरकार को, तो भास्कर सरकार को भी इस बार विधानसभा के चुनाव में भारी मतों से जिता दीजिए, संदेश चला जाएगा अगली जो पश्चिम बंगाल सभा की विधानसभा आएगी उसमें बहुमत यदि किसी का होगा तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा मेरे बहन। तो इसलिए आज इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और अंतिम बात मैं कहूंगा, यदि आपने गौरी शंकर घोष और हमारे विधायक इन दोनों को आपने चुनाव जिता दिया ये पक्का मानिए मैं दूसरी बार मैं फिर से आप सबके बीच में आऊंगा। और यदि मैं दूसरी बार आपके बीच में आऊंगा अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, दूसरी बार यदि आप सबके बीच में आऊंगा तो एक बार शीश झुकाकर आप सभी का स्वागत करने के लिए आऊंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा माननीय राजनाथ सिंह जी के धन्यवाद जानाई तार मूल्यवान वक्तव्यर जन्य। आमादेर सभाय जारा उपस्थित होयेछिलेन प्रचंड गौरवर मध्य रौद्र के उपेक्षा करे आपनारा जारा उपस्थित होयेछिलेन मुर्शिदाबाद सांगठनिक जेलार पक्ष थेके आपनादेर सकलके धन्यवाद जानाई। आपनारा जारा स्वेच्छासेवकेर दायित्वे छिलेन सेई भोरबेला थेके आपनारा काज करछेन आपनादेरके धन्यवाद जानिये छोट करब ना। आपनारा এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আরো বেশি উচ্চে তুলে ধরবার জন্য চেষ্টা করুন। যে সমস্ত প্রশাসনের লোকজন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের এই সভাকে শান্তিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।